What a joy! शांति का राजा यीशु आया. Hit it. शांति का राजा यीशु आया. 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 परमेश्वर ने भेजा अपना पुत्र प्यार. परिश्मों से उसने सबका जीवन सवारा. उसके वचनों ने दूर किया गमसार. उसके आने से सारा जहां मुस्काया. सबको पापों से मुक्ति देने आया. इन दुखियों का है वो शरमाया. शांति का राजा यीशु आया. शांति का राजा यीशु आया. यीशु आया. शांति का राजा 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 यीशु आया. राजा दुलारा पहला चारों और उसका उद्यार. आशीषों से उसको मिलता सबका सहारा. अपने खुशबू से उसने गाया. को उसने उठाया. उसने दूर किया शैतान का साया. शांति का राजा यीशु आया. 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 तारा सब भक्तों ने प्रवेश को पुकारा. सबको उसने अपने गले से लगाया. प्रेम और शांति का उपदेश सुनाया. शुभ सबका जीवन सजाया. हर तरफ उसका ही नूर छाया. शांति का राजा यीशु आया. 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 क्रिसमस में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि इस साल किस प्रकार कोरोना वायरस नामक एक छोटे वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया और किस तरह हमें हमारी कई योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरी तरह रद्द करना पड़ा. हमें यह भी मालूम है कि इन आयोजनों और कार्यक्रमों के रद्द होने से किस प्रकार लाखों लोगों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा. और आज भी हम सब लोग इन सभी समस्याओं का हल खोजने के लिए बेताब हैं.
यह सब घटनाएं जो दुनिया में हो रहे हैं यह दर्शाता है कि ईश्वर की इच्छा के आगे मनुष्य हमेशा दुर्बल है। कभी-कभी हमारी योजनाएं परमेश्वर की योजना के अनुरूप नहीं होती है। ऐसी क्षणों में हमारी योजनाओं से चिपके रहने के बजाय हमें विनम्रता पूर्वक यह स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अर्थात जो भी होता है वह सब ईश्वर की ही इच्छा से होता है। जब परमेश्वर हमें अपनी योजनाओं में भाग लेने के लिए बुलाता है और उसकी बुलाहट जब हमारे पास आते हैं, यह काफी स्वाभाविक है कि हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न और संदेह आते हैं। ईश्वर कभी किसी को अपने निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करता है। वह केवल प्रस्ताव रखता है, वह केवल आमंत्रित करता है। लेकिन ईश्वर हमेशा हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, यहाँ तक कि वह हमें इससे अस्वीकार करने और उनसे सवाल करने का भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। कभी-कभी हम ईश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते हैं। हमारे मानव मुक्ति इतिहास में, पवित्र बाइबल में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमने आज के पवित्र सुसमाचार में सुना कि किस प्रकार प्रभु के जन्म का संदेश लेकर स्वर्गदूत गब्रियल गलीलिया के नाजरत नामक गांव में एक कुंवारी के पास ईश्वर की ओर से भेजा गया और उन्होंने मरियम को ईश्वर के पुत्र की मां बनने की अनुमति मांगी। जब ईश्वर इंसान बनकर हमारे बीच रहने के लिए स्वर्ग से नीचे आया, वह स्वयं के लिए जो निवास स्थान के रूप में जिस खोक को अपना अपने लिए चुना था, वह नाजरत की एक साधारण युवती मरियम के अलावा और किसी का भी नहीं थी। इस घटना में हम पाते हैं कि माता मरियम घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस निमंत्रण या बुलाहट का क्या अभिप्राय है। वह परेशान और भ्रमित हो जाती है, लेकिन अपनी संदेह और चिंताएं दूर करने में वह कभी भी नहीं हिचकिचाती। उनके सवाल के लिए गैब्रियल दूत द्वारा दिया गया जवाब उनके सभी अनिश्चितताओं, भय, संदेह और चिंताएं दूर कर देता है। मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। अनिश्चितताओं, भय और अशांति के समय हर कोई ऐसे शब्द सुनना बहुत पसंद करते हैं। जब स्वर्गदूत गब्रियल ने मरियम को प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री कहकर उसका अभिवादन किया, तब वह घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। हम पवित्र बाइबल के विभिन्न किरदारों के बारे में अध्ययन करने से यह पता चलता है कि ऐसी अभिवादन केवल मूसा नबी यरमाया और गिदोन को ही मिला है। यह अभिवादन मरियम के लिए ईश्वर के एक अनन्य प्रेम को प्रकट करता है और उसे मानव उद्धार की अपनी परियोजना में, ईश्वर की परियोजना में शामिल करने का उनकी, ईश्वर की इरादा को दिखाता है। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कि मानव के इतिहास में परमेश्वर ने कई प्रकार से हस्तक्षेप किए और मानव को उनके पापमय, उस दयनीय अवस्था से, स्थिति से छुड़ाने के लिए कई बार कोशिश किया। आखिर वह हम स्वयं मानव बनकर आने की अपनी परियोजना को पूर्णता में लाने के लिए पृथ्वी पर एक पापहीन और सबसे कृपापूर्ण व्यक्ति को चुना, उनकी सहयोग चाहा। माता मरियम को सबसे उपयुक्त और सुंदर व्यक्ति के रूप में ईश्वर ने पाया। मुक्ति इतिहास में माता मरियम की अहम भूमिका रही है। उनकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर को मानव मुक्ति की अपनी योजना को स्वीकार करवाने के लिए कभी भी मरियम को मजबूर नहीं करनी पड़ी।
एक बार परमेश्वर के पुत्र की मां बनने का इस बुलाहट को माता मरियम ने स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद वह कभी भी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं की। यहां तक कि जीवन के सबसे मुश्किल परिस्थितियों और अनिश्चितताओं से भरा पलों में वह शांत और विनम्र रहकर हमेशा प्रभु पर भरोसा रखी। माता मरियम अपने जीवन भर कई संघर्षों परेशानियों का सामना किया यूसुफ के साथ, और हमेशा प्रभु में भरोसा रखी। माता मरियम की सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि वह ईश्वर की मां के साथ ही साथ प्रभु येसु की सच्ची शिष्या भी रही। प्रभु येसु के लिए सबसे बड़ा पुण्य था परमेश्वर की इच्छा का पालन करना। यह माता मरियम के बेहतरीन गुणों में से एक था। यही कारण है कि मार्कुस के पवित्र सुसमाचार अध्याय 3:35 में प्रभु कहता है, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह बुलाहट हमें भी मिला है प्रभु येसु के भाई बहन और माता बनने का। प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन के अंतिम रविवार में हैं और 5 दिनों के बाद हम हमारे प्रभु येसु का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज का पवित्र वचन हमें उस सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखने के लिए कहता है जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भले ही इस साल हमारा क्रिसमस का जश्न अनिश्चितताओं से भरा हो, फिर भी पिता ईश्वर, उसके पुत्र प्रभु येसु और पवित्र आत्मा में जो हमारा विश्वास है, आस्था है, निश्चित रूप से हमें बेहतर तरीके से इन सब बातों को समझने में मदद करें। चुनौतियों से भरा हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में भी हमें माता मरियम की तरह ईश्वर की योजना में पूरी तरह से विश्वास करना है। दुनिया में आजकल जो भी परेशानियां हैं, उन सबके बीच भी हमें हमेशा अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करता है जो हर असंभव कार्य को संभव कर देता है। आज हम माता मरियम से यह सीख ले कि दुख तकलीफों, बीमारियों, सभी प्रकार की परीक्षाएं, क्लेशों, शंकाएं और अनिश्चितताओं के बीच भी शांत रहना सीखना है माता मरियम से। इसके लिए हम प्रभु से कृपा मांगे। धन्यवाद। जय यीशु।